ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम को आज दिन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें है फाइंड द क्वेश्चन है फाइंड द टर्म ए अपॉन बी, फाइंड द टर्म ए अपॉन रूट बी प्लस b अपॉन रूट ए विच इज द सेम पावर ए एंड बी, विच इज द सेम पावर ऑफ ए एंड बी। वो यह फॉर्मूला क्या था, यूनिट मान लेते जनरेट पी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर एन पी आर यूनिट 21 पी आर क्या जाएगा 21 पी आर एक्स की पावर एक्स क्या आई है एक्स की पावर एन माइनस आर एन माइनस आर ए की पावर आर के की पावर आर 21 सी आर एक्स पावर एन माइनस आर सी आर, इसको बोले क्या जाएगा 21 सी आर जाएगा ए अपॉन बी की पावर हाफ 21 माइनस आर की पावर थ्री बी अपॉन ए की क्यूब अपॉन पावर थ्री, ये आ गए इसके क्या आ गए अब ये इसको ये यहां से क्या आएगा आर बाई थ्री, यहां से क्या आएगा 71 माइनस आर बाई थ्री है, यहां से क्या आएगा बी 21 माइनस आर पॉइंट सिक्स बी की पावर आर, इसे सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा देखना जरा। बताओ क्या आएगा, ये आएगा 21 पी आर ए की पावर कितनी आ जाएगी, बताओ ए की पावर कितनी आ जाएगी करो, हाँ ठीक क्या आएगी बोलो आप, ए की पावर 7 माइनस आर बाई टू बी की पावर कितनी आएगी बताओ, बी की पावर कितनी आएगी टू बाई थ्री आर माइनस सेवन बाई टू दिया जाए, टू बाई थ्री आर माइनस सेवन बाई टू, और ये दोनों क्या है सेम पावर होती है, ए और बी की क्या है सेम पावर है, तो इसलिए क्या आ जाएगी वैल्यू क्या आ जाएगी सेम आ जाएगी सेवन माइनस आर बाई टू इक्वल टू 23 अपॉन आर माइनस सेवन बाई टू, इधर आएगी क्या आ जाएगा ये आर बाई टू प्लस 22 अपॉन थ्री आर इक्वल टू माइनस सेवन बाई टू प्लस सेवन, ठीक है सेवन का हाफ आ गया कितना आ गया सिक्स थ्री आर प्लस फोर आर सेवन आर अपॉन सिक्स इक्वल टू सेवन अपॉन टू आ गया सेवन आर
मल्टीप्लाई टू इक्वल टू सेवन मल्टीप्लाई सिक्स, आर इक्वल टू सेवन मल्टीप्लाई सिक्स अपॉन सेवन मल्टीप्लाई टू, सेवन से सेवन जाएगा टू थ्री सिक्स, आर इक्वल टू थ्री। आर की वैल्यू कितनी आ गई है? थ्री आ गई, हैंस आर विल बी टू द थ्री आंसर। माइनस सेवन बाई टू ये माइनस सेवन आएगा, क्या ठीक बोले, क्या गया यहाँ माइनस सेवन और माइनस ट्वेंटी वन पॉइंट टू, ट्वेंटी वन पॉइंट टू, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन थ्री थ्री नाइन, आर इक्वल टू क्या आ गया थ्री थ्री नाइन आंसर आ गया। आर इक्वल टू क्या आ गया थ्री थ्री नाइन। ठीक है, कंजुगेट एक्सपेंशन है, क्या है कंजुगेट एक्सपेंशन। कंजुगेट एक्सपेंशन क्या होता है? कंजुगेट एक्सपेंशन कंजुगेट एक्सपेंशन में क्या होता है? अगर मान लिया क्या है, We get conjugate expansion if x plus y की पावर n, x माइनस वाई की पावर n, if we add or subtract from this, we get the conjugate expansion. The expansion of x plus y की पावर n, x माइनस वाई की पावर n, we get the conjugate expansion. It means x plus y की पावर n क्या आएगा, एन सी जीरो एक्स की पावर n प्लस एन सी वन एक्स माइनस वाई और क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी। इनको क्या करना है, मुझे सबको क्या करना है, ऐड कर लिया मैंने, क्या क्या कर लिया सबको ऐड करके क्या आ गए, क्या जाएगा ऐड करके, इससे तो कट जाएगा, इससे कट जाएगा, क्या आएगा टू एन सी जीरो एक्स की पावर एन प्लस टू एन सी थ्री एक्स की पावर एन माइनस टू वाई का स्क्वायर प्लस टू एन सी फोर एक्स की पावर एन माइनस फोर वाई की पावर फोर। अब दो दोनों में से कॉमन ले लिया,
एन सी जीरो एक्स पावर एन, एन सी टू एक्स पावर एन माइनस टू, ठीक। सिमिलरली अगर मैं इसको माइनस कर देता हूं, इसको क्या कर देता हूं इसमें माइनस, तो माइनस से क्या आ जाएगा ये माइनस से क्या आ जाएगा टू। अच्छा ये जो है क्या है क्वेश्चन, इफ 9 की पावर 7 माइनस, इफ 9 की पावर 7 माइनस 7 की पावर 5 इज डिविजिबल बाई 2 की पावर n, इज डिविजिबल बाई इज डिविजिबल बाई 2 की पावर n, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द इफ 9 की पावर 7 माइनस 7 की पावर 5 डिविजिबल बाई 2 की पावर 9, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन। देखो भाई ये किया है 9 से 9 की पावर 7 माइनस 7 की पावर 7, 9 को क्या लिख सकता हूं मैं, 8 प्लस 1 की पावर 7, 7 को क्या लिख सकता हूं मैं माइनस 1 माइनस 8। देखो माइनस 7 माइनस 7 प्लस 5, इसको सोल्व कर देंगे क्या कर दूंगा, सोल्व क्या आ जाएगा 1 प्लस 7 c1 8 पावर 1, 7 c2 8 का स्क्वायर 7 c3 8 का स्क्वायर 7 c4 8 का 2। इधर क्या जाएगा ये माइनस 9 है, क्या है ये माइनस, तो फर्क तो नहीं, देखो अगर 9 इसे करना कोई दिक्कत नहीं है, क्या जाएगा 9 c0 माइनस 9 c1 8 9 c2 8 का स्क्वायर 9 c3 8 का क्यूब प्लस 9 c4 8 का 4 एंड सो ऑन। अच्छा ये 1 है तो 1 तो नहीं है इसमें भी, हाँ 1 तो इसमें भी आएगा,
नाइन सी जीरो वैल्यू कितनी आएगी, वन आ जाएगी। हाँ चलो, वन नाइन सी जीरो वैल्यू कितनी आएगी, वन। अच्छा अब इसको सोल्व करेंगे, इसको क्या आ जाएगा, जिस तरह क्या आ जाएगा, वन सेवन सी वन क्या आएगा, एट मल्टीप्लाई एट, सेवन सी वन कितना आएगा, सेवन। सेवन सी टू कितना आएगा, यह आ जाएगा सेवन सी टू। वन सीवन की वन नाइन मल्टीप्लाई एट, नाइन सी की वैल्यू कितनी आएगी, थ्री नाइन फोर थर्टी सिक्स। ठीक है, अब इसको क्या करता हूं मैं, देखो इस वन से तो ये वन चला जाएगा, ये छप्पन और बहत्तर कितना जाएगा, ये एक सौ अट्ठाईस कितना जाएगा, ये एक सौ अट्ठाईस प्लस, देखो और अब मैं देखो क्या है, सब में एट का स्क्वायर, एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर, सब में क्या है कॉमन है, सब में क्या है सिक्सटी फोर क्या है कॉमन है, फिर में सिक्सटी फोर कॉमन आ गए, सब में सिक्सटी फोर कॉमन हो गया, क्या की वैल्यू में रखो फिर तो, अच्छे से वैल्यू की रख लिया हूँ, अगर इसकी वैल्यू में रखो क्या है सिक्सटी फोर सेवन सी टू, सिक्सटी फोर सेवन सी टू, ये क्या आएगा सिक्सटी फोर एम सी टू, सिक्सटी फोर एम सी टू, नाइन सी टू, इस तरह फिर क्या आते हैं यहाँ सिक्सटी फोर क्या आ गए, एट सी थ्री, एट सेवन सी थ्री, सेवन सी थ्री मल्टीप्लाई एट, एट का क्या बाहर को मना, इधर से क्या बचेगा, इस तरह आ जा गए हैं जी। अच्छा ये भी एक कॉन्स्टेंट आएगा, ये के क्या इंटीजर आएगा कोई भी एक के, और ये 128 से लिख सकता हूं मैं, 128 से लिख सकता हूं मैं, 15 मल्टीप्लाई यस 64 मल्टीप्लाई 2 प्लस 64 ये आ जाएगा, एंड फोन इस तरह समथिंग से नंबर आएगा, ये मैं दो सिक्सटी फोर दोनों के कॉमन ले लूंगा, क्या आएगा टू प्लस सेवन सी टू माइनस नाइन सी टू प्लस सेवन सी थ्री मल्टीप्लाई एट, ये देखो ये क्या है, ये देखो इससे ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, इंटीजर का सम क्या होता है इंटीजर, तो 64 क्या आएगा था के मल्टीपल के एम आ जाएगा, के एम आ जाएगा, मल्टीपल के एम आ जाएगा या के एम, इक्वल टू आएगा 64 के, 64 के, अच्छा 64 ये डिवाइडेड बाय 2 की पावर एन, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू एन, तो यह 64 के जो इसे डिवीज़ बाई होगा ये आएगा, ये डिवीज़ बाई 64 के एन इक्वल टू जाए 64 क्या आगे वैल्यू थी 64 के इसमें वो है, ठीक है ए 64 इज डिवीज़ बाई द 2 की पावर एन, एंड नाइन की पावर सेवन माइनस सेवन की पावर नाइनटीन इज डिवाइडेड बाय द 64।
क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल जो क्या है, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल है, किसकी दीवार नहीं है, क्या करते हैं इसको? देखो 2 की पावर 7 तो नहीं चले, कॉमन है ही वैसे, नीचे का दे रहे 2 की पावर 7, ये इसमें से दोनों में से 4 या 2 की पावर 7 कॉमन ले, ठीक है। क्या बच जाएगा ये? क्या हो जाएगा? 1 माइनस 4x प्लस 1 अपॉन 7, ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये? अब क्या आ गया इसमें? अच्छा अब देखो, ये हो गया a+b, a-b की पावर, जैसे कॉन्जुगेट हो, फॉर्मूला बता रहा, इसको सोल्व करके क्या आएगा? 2 2 और 7 4x+1, इसको क्या आ गया? 7c1 4x+1 +7c3 4x+1 का³ +7c5 4x+1 का 5 प्लस अंतिम ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। अच्छा इसे क्या आ जाएगा? 1/2 की पावर 6 आ जाएगा ये 4। अच्छा 4x+1 की जब मैं स्क्वायर में ये करूंगा मल्टीप्ली, क्या आ जाएगा ये? सेवन सी वन प्लस 7c3 4x+1 की पावर, ठीक है, 3/2 ये रहा, और यहां से क्या 1/2 भी ये रहा, तो 1 आ जाएगा। क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर आगे 7c5 4x+1 का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा? 7c7 4x+1 का
आगे बात समझ में, ये कहां से आ गया? ये इसका आया, देखो ये क्या है, ये है 4x+1 का क्यूब, इसका मतलब है 4x+1 की पावर 3/2, ठीक। डिवाइड करने क्या कैसे करना है, 4x+1 का हाफ डिवाइड कैसे करना है, 4x+1 का हाफ, तो 3/2 माइनस 1/2 कितना आएगा, चलो 4x+1 3/2 माइनस हाफ क्या आएगा, 4x+1 का हाफ, ये रखा दो 1, इससे क्या आएगा 2, इससे 5, तो उसके मैक्सिमम जो पॉलीनोमियल होगा इसके बाद तो माइनस कर जाएंगे 7 से, 7 9 3 9 के, यहाँ ये पॉसिबल है ही नहीं, तो ये तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, द पॉलीनोमियल विल बी द डिग्री ऑफ 3, तो डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल कितनी आ गई 3, डिग्री इज पॉलीनोमियल ऑफ 3, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल इज 3, जैसे क्या है क्वेश्चन, इफ एन इज इक्वल टू 12 m, एन इज इक्वल टू 12 m, m इज इक्वल m इज बिलोंग्स टू n, प्रूव दैट n की वैल्यू माइनस n की वन MC2 upon 2+3 का क्यूब प्लस MC4 2+3 का 4 प्लस MC5 माइनस MC6 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 2+3 का 6 प्लस MC8 ये 2+3 का 8 then prove that then find the then prove that इनकी वैल्यू क्या होगी,
ये सवाल है, क्वेश्चन है, एन इज इक्वल टू 12 m, हियर m इज बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर्स, ये एम सी दो माइनस एम सी टू, टू प्लस रूट थ्री का स्क्वायर, एम सी फोर, टू एम सी सिक्स, एम सी एट, इस तरह की वैल्यू है। अब इसकी थ्रू दैट द वैल्यू ऑफ दिस इज माइनस वन की पावर m, टू रूट टू अपॉन वन प्लस रूट थ्री की पावर n, इसकी वैल्यू हमें जो है ये निकालनी है, प्रूव दैट क्या करता हूं। देखो भाई, मैं किसको क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन है एम सी जीरो, इसको क्यू टू को बाद में देखेंगे, क्वेश्चन ही है, डायरेक्टली है हमारी। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसका है, मान लिया। देखो ये क्वेश्चन में कितने हैं, ये 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यानी कि किसी भी, अगर a प्लस आई बी का कोई फंक्शन है, a प्लस आई बी है, ये इसके जो रियल पार्ट का है, b में कहते हैं ओड क्या आते हैं, इसके इमेजिनरी में a क्या आता है, रियल पार्ट, क्या है वो रियल पार्ट, क्या है रियल पार्ट ऑफ, क्या है रियल पार्ट ऑफ, रियल पार्ट ऑफ वन प्लस वन है इसका क्वेश्चन, आई ए प्लस आई बी का कितना है, टू प्लस रूट सी, रियल पार्ट ऑफ देने की पावर एन, की पावर एन, देखो इसमें ए की तो कोई है नहीं वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है वन, और बी की वैल्यू कितनी है वन पॉइंट टू प्लस आई बी, ए प्लस आई बी रियल पार्ट ऑफ कितने, रियल पार्ट ऑफ इतने, अच्छा ये ठीक है, हाँ यार नहीं याद है, अगर कोई फॉर्मूला ये हो एक्स प्लस ए आयोटा की पावर एन होता है, क्या वो फॉर्मूला ये करी है, एक्स इक्वल टू ए प्लस आयोटा की पावर एन हो, एक्स प्लस ए आई एट पावर एन हो, तो क्या रहता है, टी नॉट माइनस टी टू प्लस टी फोर माइनस टी सिक्स अब टू ये प्लस आई आई क्या आएगा, माइनस टी वन माइनस थ्री टी थ्री, एंड सोन, ये आ गया इसमें भाई। देखो अब इसमें है ये वाला टी नोट टी टू टी फोर टी वन, ये रखा टी नोट टी वन टी टू टी थ्री, ये क्या है, ए एक्स प्लस ए आई की पावर एन, इसका जो एक्सपेंडिचर है, जो इसका एक्सपेंड करके आएगा, तो उसका क्या है, ये इसका है ये रियल पार्ट, तो क्या है ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट, तो इसका ये कौन सा पार्ट रखा, ये रखा है इसका ये रियल पार्ट, इसका कौन सा पार्ट रखा है, ये रियल पार्ट रखा है, तो इसका ये रियल पार्ट रखा है, तो रियल पार्ट इज वन प्लस आई अपॉन आई की पावर टू बाई आई की, ठीक है ये सुनो आगे फॉर्मूला, इसको याद कर लेना, ठीक है अच्छा। और इसके अगर एक और इसके एक्सपेंडर में एक और फॉर्मूले हाथ याद लिख लोगे क्या होता है, ये अगर मान लिया बाई चांस ये आ जाता पावर टू एन आ जाता, क्या आ जाता है टू एन आ जाता, तो क्या आता है टी नॉट माइनस टी टू प्लस टी फोर माइनस टी सिक्स सबका होल स्क्वायर प्लस क्या है टी नॉट टी टू माइनस टी फोर प्लस टी सिक्स का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर यहां नहीं बल्कि सब में स्क्वायर,
ये आ जाएगा, ये इसका ये आ जाएगा। अगर ये होता एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर एन, ये क्या जाता है, तीन सौ रुपए रेट देना ये एक्स प्लस ए आर टी पावर एन इसका ये इवन थ्री एन फोर इसका ये रियल पार्ट का क्या होगा, सारे क्या आ जाएंगे इवन आएंगे, इमेजिनरी में क्या आएंगे सिर्फ ओड आएंगे। सिमिलरली उसी की तरह क्या आएगा इसका सारे का होल स्क्वायर बाहर है, अगर ये का स्क्वायर है तो ये अलग अलग स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या देखा मैंने कि इसका इसका रियल पार्ट है, रियल पार्ट हो वन प्लस आई ओटा फोन टू आई प्लस रूट थ्री प्लस वन प्लस रूट थ्री। अब मैंने क्या कहा रियल पार्ट को, रियल पार्ट को इसका वन प्लस आई टू माइनस रूट थ्री थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, ये क्या है रियल पार्ट ऑफ वन प्लस आई टू माइनस रूट थ्री अपॉन ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर, क्या आएगा ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर, क्या आएगा ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर, क्या आएगा ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस यहां लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा रियल पार्ट ऑफ वन प्लस आई उल्टा टू माइनस रूट थ्री, टू माइनस रूट थ्री की पावर एन, याद इसे साइन थीटा कॉस थीटा में बदल ही दूंगा, मैं बताया तुमको क्या जगह ये बताओ, क्या जगह ये हाँ क्या गया रियल पार्ट ऑफ वन प्लस आई टेन पाई बाई बारह, की वैल्यू क्या होता है पता, पहले कोस पाई बाई बारह की तरह ट्रीट करता है, यही हमारी क्या होती है रूट थ्री कोस पाई बाई बारह की वैल्यू क्या है रूट थ्री प्लस वन और टू रूट टू, क्या रियल पार्ट हो वन प्लस आई आई टेन पाई बाई बारह, तो क्या कर दूंगा रियल पार्ट ऑफ वन प्लस आई साइन फाइव फाइव बारह ऑन कॉस फाइव फाइव बारह कॉस फाइव फाइव बारह की पावर एन, यह आ गया कॉस फाइव बाई बारह प्लस आई साइन फाइव बाई बारह और नीचे कॉस की पावर एन फाइव बाई बारह, रियल पार्ट ऑफ पावर एन कॉस की पावर एन, इसमें डिमोट थ्योरम लगा देंगे क्या होती है डिमोट थ्योरम,
क्योंकि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इसी पावर एन जाएगा, कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन, ठीक, यानी ए प्लस आई बी से इसकी ठीक है आ गए, कॉस एन पाई बाई 12 प्लस आई साइन एन पाई बाई 12 अपॉन कॉस की पावर एन पाई बाई 12 अपॉन कॉस की पावर एन पाई बाई 9। इसका रियल पार्ट हो जाएगा, रियल पार्ट क्या आ गया इसका, कॉस एन पाई बाई 12 अपॉन कॉस की पावर एन पाई बाई 12 किया, इसका भी रियल पार्ट ये, इसका भी रियल पार्ट, ये तो रियल पार्ट शुरू हो गया, कॉस एन पाई बाई 12 अपॉन कॉस पाई बाई 5, कॉस एम पाई जिसके डिपेंड करता है कि क्या इवन ये ऑड पे हो जाएगा, ये क्या क्या आ रहा, इसमें माइनस वन की पावर एन कॉस एन पाई बाई, कॉस पाई बाई 12 की डिवाइड मैंने लिखी थी रूट थ्री वन अपॉन टू रूट टू, तो क्या आएगा टू रूट टू अपॉन रूट थ्री प्लस वन की पावर एन, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर आएगा। देखो क्या है ये कोई सीरीज दे रखी है, इसका जो है सोल्व करना है कि इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा, जैसे ये एन सी जीरो एन सी टू एन सी फोर, ये इसका रियल पार्ट क्या, तो इसका क्या होगा रियल पार्ट वो वन प्लस आयोटा टू प्लस रूट थ्री पावर एन, रियल पार्ट वो वन प्लस टू माइनस रूट थ्री को नीचे मल्टीप्लाई कर देगा, ये आ गया वन प्लस आयोटा टू रूट थ्री है, तो रियल पार्ट ऑफ क्या आ गया टू माइनस रूट थ्री आई एन, अब इसको कि रियल पार्ट वो वन प्लस आई साइन टेन पाई बाई फोर, इसकी ए प्लस कोस का साइन थीटा क्या कर दूंगा कंपेयर कर दूंगा, तो क्या आएगा साइन साइन थीटा कोस थीटा में आ गया टेन पाई बाई फोर, ठीक, अब इसको क्या कर लिया टेन को साइन अपॉन कोस कोस पाई बाई फोर अपॉन टेन पाई बाई फोर, मैं डिमोस सेम लगा दूंगा, इसके नीचे क्यूब आ गया, आ गया उसका रियल पार्ट कितना आ गया कोस एन पाई बाई फोर, ये आ गया ये कोस पाई बाई फाइव, कोस पाई बाई फाइव की वैल्यू क्या होती है रूट थ्री वन अपॉन टू रूट टू, इसकी वैल्यू रख देंगे, यही इसका आंसर आ जाएगा। परमिटेड टर्म फॉर इसके एक्सपेंशन में, इसका एक्सपेंशन क्या आ जाएगा एन सी जीरो एक्स पावर एन प्लस एन सी वन एक्स पावर एन माइनस वन वाई,
इसका ये आ जाएगा एम सी जीरो एक्स की पावर एन प्लस एम सी वन एक्स की पावर एन। मान लीजिए यूपी का एक्सपेंशन है, पहले ही बताया था मैंने एक बार, और अगर मान लिया इसके जो है मिडिल टर्म फिर मान लेते तो मिडिल टर्म होगा ऑलवेज कैरी द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। मिडिल टर्म हैव द ऑलवेज कैरी द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। मिडिल टर्म कौन सा होती है? मिडिल टर्म्स ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। मिडिल टर्म ऑलवेयर ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अगर मान लें इफ एन इज ऑड, एन इज ऑड, अगर एन इज ऑड है तो मिडिल टर्म क्या आ जाएगी? ये थ्री एन बाई टू प्लस ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट एन बाई टू, अगर एन इज ओड है मिडिल टर्म आएगी एन बाई टू प्लस ग्रेटेस्ट मिडिल कोएफिशिएंट क्या आएगा? ये इफ एन इज ओड, जब एन इज एन इन ई वन है, एन इन क्या है एन इन ओड, एन इन ओड दो टर्म्स होंगे, कौन कौन सी होंगी? ई एन प्लस वन बाई टू ये की होगी, ये होगी एंड टी एन प्लस थ्री बाई टू टर्म्स, ये होगी टर्म्स होंगी टी एन प्लस वन बाई टू टी एन प्लस थ्री बाई टू। और ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा? ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा? एन सी एन माइनस वन अपॉन टू एन सी एन प्लस वन बाई टू एन सी एन प्लस वन बाई टू। ये कहां से है? ये एग्जिस्टर है एन प्लस वन बाई, ये क्या एन माइनस वन बाई टू प्लस, इसे लिख सकता हूँ मुझे इसी तरह, इसे लिख सकता हूं मैं एन प्लस थ्री को एन प्लस वन बाई प्लस ये इन दोनों का कोएफिशिएंट लिख सकते हैं, ठीक है। इन्हें याद कर रहे हैं क्या है, क्या है ये ओड के तो क्या इवन भी क्या आएंगे ये, और ओड के क्या आएंगे, ये आएंगे।
एन एन माइनस वन बाई टू एन एन प्लस वन बाई टू, ठीक है, याद रखें। अब जैसे क्या है क्वेश्चन है, द कोफिशियंट ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, लिखो द कोफिशियंट ऑफ इन द मिडिल टर्म ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स इक्वल टू वन प्लस वन बाई टू इज एल्फा। मिडिल टर्म कितना है इसका, द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स पावर टू वन प्लस वन इज एल्फा, बट और इसकी एक्सपेंशन में मिडिल टर्म कितना है, और बीटा एंड गामा, बीटा एंड गामा, देन रिलेटेड, देन रिलेशन अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा गामा के बीच क्या रिलेशन होगी, फाइंड द वैल्यू। देखो अब क्वेश्चन क्या है, ये वन प्लस एक्स की पावर टू एन प्लस वन की मिडिल टर्म्स कितनी है, अल्फा, और इसकी एक्स इसकी मिडिल टर्म कितनी है, बीटा एंड गामा। इसकी टू मिडिल टर्म अल्फा है, एक क्यों है, क्योंकि वो क्या है, कैसे है, ये इवन है, ये क्या है, ये कैसा नंबर है, ये ओड है, इसकी दो है, बीटा गामा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। अगर ये है वन प्लस एक्स की पावर टू एन प्लस टू की एक्सपेंशन में मिडिल टर्म्स जो है अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू कितना जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू टू एन प्लस टू की एन प्लस, ठीक है। अगर इसके एक्सपेंशन में बीटा एंड गामा है, मान लिया इसके एक्सपेंशन में दो टर्म्स होंगी, लेट बीटा इज इक्वल टू कितनी है, टू एन प्लस वन सी टी, टू एन प्लस वन सी एन प्लस वन, गामा कितनी है, टू एन प्लस टू, टू एन इंटू सी एन एन प्लस टू, ये टू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन सी एन प्लस वन कितनी आएगी, टू एन प्लस वन सी एन प्लस वन, ये आ गया टू एन प्लस वन सी एन प्लस वन, दो होंगे ना, ये भी बताया था एन इंटू एन प्लस ये। अगर मैं बीटा गामा को क्या कर देता हूँ, दोनों को ऐड कर देता हूँ, बीटा गामा को क्या कर देता हूँ, ऐड, इनकी याद को बीटा प्लस गामा, बीटा की वैल्यू कितनी है, टू एन प्लस वन सी एन प्लस वन, गामा की वैल्यू कितनी है, टू एन प्लस टू सी एन प्लस वन, ये दोनों की वैल्यू को ऐड कर देता हूँ, तो बताओ क्या ऐसा है, बताओ सवाल क्या आएगा, तो आंसर आ जाएगा क्या आएगा आंसर बताओ,
देखो क्या आएगा शायद, इनका आंसर क्या आ गया, क्या गया आया वो नहीं आया। ठीक ओएस की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 2n+1 2 ये इक्वल टू n3 बीटा प्लस गामा इक्वल टू n, इसकी वैल्यू में से क्या जाएगी अल्फा वेग। ठीक जैसे एक और क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर वैन, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर वैन 6 की पावर 10 माइनस 5 एन इज डिविजल बाई 6 की पावर n-5 n डिविजल बाई 25। फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर बना कि 6 पावर n-5 n इज डिविजल बाई 25। जब 25 से डिवाइड करते हैं तो इसका जो है डिविजिबल क्या है। ठीक देखो क्या है, इसको क्या करते हैं 6 पावर n माइनस 5 n, ठीक क्या कहता 5 प्लस 1 प्लस 5 की पावर n-5 n, ये क्या आ गया 1 प्लस 5 n 1 प्लस 5 n प्लस, ये है ना n c 0 n c 0 1 n c 1 n। अरे ये देखो यार क्या है NC0 ऑप्शन में आ गया 5 NC1 प्लस 5 का स्क्वायर NC2 5 का स्क्वायर NC3 अब 2 माइनस 5 NC0 वैल्यू कितनी है 1 प्लस 5 n 1 प्लस 5 n 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25 n c 2 125 n c 3 प्लस 5 माइनस 5 ये जाएगा, इन सब में से 25 कॉमन ले लूंगा, 25 कॉमन ले क्या हो जाएगा NC2 5 NC3 प्लस 5। अच्छा अब जब इसको सबको मैं 25 से डिवाइड करूंगा, जब इसको 25 से डिवाइड करूंगा, देखो ये तो पूरा पूरा डिवाइडेड हो जाएगा क्योंकि जो है 25 का क्या है मल्टीपल है, क्या बच जाएगा 1 ये प्लस 1 हैंस रिमाइंडर इज हैंस रिमाइंडर इज 1। तो ये है देखो इसे 6 की पावर 1 प्लस 5 की पावर n-5 n इसे इसे एक्सपेंड कर दिया -5 n, इसकी वैल्यू रख दी, इसको काट दिया, इसको 1 को जो है प्लस में रखा, इन सब में से जो है 25 जो है कॉमन आ रहा, ये लिख लूंगा मैं सबको है। फिर क्या आ गया ये तो 25 का मल्टीपल है, चलिए इट विल बी डिवाइडेड 25 रिमाइंडर क्या आएगा, ये तो हो गया, क्या बचेगा 1,
हैंस द रिमाइंडर विल बी टू द वन। देखो एक क्वेश्चन है ये आ जाता है कंपटीशन में भी, सवाल बहुत ऐसा है तो। फाइंड द रिमाइंडर क्या क्वेश्चन है? फाइंड द रिमाइंडर फाइंड द रिमाइंडर व्हेन सेवन की पावर 40 इज डिवाइडेड बाई फाइंड द रिमाइंडर फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 20 की पावर 40 इज डिवाइडेड बाई 12। देखो भाई गिवन है ये 20 की पावर 70 की पावर 4, ये आ गया। इसको किससे एक्सपेंड कर 27 में 30 क्या कर सकता हूँ मैं से? इसे कर सकता हूँ 3 की पावर 3 की पावर 4। ठीक, ये भी पावर है, ये भी पावर है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या आएगा 3 की पावर 100। फिर वो क्या कर सकता हूँ मैं 4 माइनस 1 की पावर 100, ये आ गया x माइनस a की पावर n। इसका क्या कर देंगे, इसका मैं कर देता हूँ उसका एक्सपेंड, क्या कर देता हूँ x माइनस a की पावर n, क्या आ जाएगा x माइनस a की पावर n। क्या है 120 c 0 4 की पावर 120 प्लस 120 माइनस x की पावर n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1। फिर ही आ जाएगा यहाँ इससे एक्सपेंड कर देंगे इसलिए इसके आ जाएगा ये इस तरह ही जाते 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 ये क्या आएगी लास्ट में आ जाएगी, क्या आएगी ये लास्ट में आएगी, क्या आएगी लास्ट में देखो बोलो क्या आएगा 1 2 फिर आगे क्या आएगा प्लस माइनस प्लस फिर यहां से माइनस इस लास्ट टर्म इस तरीके आएगी इसकी लास्ट टर्म आ जाएगी।
अब इसमें लास्ट टर्म में क्या आएगा, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अब ये लास्ट में क्या आएगा माइनस के वन, लास्ट में क्या आएगा 120 सी 120 आ जाएगा है। अच्छा अब इसमें क्या आएगा, देखो इसमें जो है 4 का मल्टीपल है, देख क्या आएगा मल्टीपल है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ के आएगा तब में क्या आएगा 4 का मल्टीपल आएगा, 4 की पावर है ना ये, दैट इज मीन देखो यहाँ भी 4 को मैंने, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ इसको छोड़ दो, यानी मल्टीपल ऑफ क्या आएगा 4, मल्टीपल ऑफ 4 इट मीन वी हैव 3 पावर 120 इज इक्वल टू क्या गया 4m-1, 4m-1 देखो अब मुझे निकालना था यहां 2l का, यहां क्या निकालना था यहां 2l का, अब मैं यहाँ 12 का जब आ सकता है मतलब मैं यहाँ जो है 12 आता, अब यहाँ अगर दोनों तरफ 3 की मल्टीप्लाई करूँ तो 3 पावर क्या आ गया यहाँ तो 121, और मुझे डिवाइड करना है किसे 120 को, इसलिए एक मैं लेस देन कर लूंगा यहाँ, क्या निकाल लूंगा मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ, मैं इसकी वैल्यू निकाल लू, मैं इसकी वैल्यू निकाल के ना मैं इसकी वैल्यू निकाल लू 3 × 119, ये कह 119 118 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 देखो ये है ना, अब देखो ये ओड है तो बाद में ओड ही आएगा, तो इसलिए यहाँ ये माइनस आ रहा है, क्या आएगा ये माइनस आ रहा है, ये पहले मैंने माइनस ये लिख दिया था ठीक है, तो 320 का जो फोल्टी बिल है वो भी 4m-1 होगा, यहाँ कुछ ना कुछ होगा ये भी। अच्छा 319 का मल्टीपल क्या है, ये है 3 4m-1, इसको कह रहे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आएगा 3 पावर 120m 12m-3 12m-3। अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन ले लूं मैं, 12 का मल्टीपल ले लूं मैं, इन दोनों में क्या आएगा 12m-3-9+9, क्या 12m-12+9, इन दोनों में 12 कॉमन ले लूंगा, क्या आएगा m-1+9, क्या 12m-1+9, देयरफॉर द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज, देयरफॉर द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज 9 रिक्वायर्ड। ज्यादा सवाल ये 270 की पावर 4 से 3 की पावर 3 कर दिया 124 - 1 की पावर 20 आ गए, क्या आ गए 20 आ गए। अब मैं क्या करा 3 पावर 19 करा, 3 पावर 19 के एक्सपेंड में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 - 1 की पावर 3 19 ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, इसको जो है फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया इसको सारे को मैंने, इवन है तो बाद में ओड है तो बाद में माइनस वन आएगा, ये बाद में क्या बचेगा, ये 19c19 बचेगा, 19 119 c119 बचेगा, तो माइनस का आएगा ये, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ये रखता हूँ मैं ठीक। अब इसकी 319 की वैल्यू क्या आ गया 4, इसका 4 का जो है मल्टीपल में है इसे छोड़ के, इसकी मान लिया क्या आ गया 4m-1 आ गया, m कुछ मल्टीपल होगा m-1, मुझे चाहता है 300 120 का, तो 3 से दोनों तो सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया 300 120 = 2lm-3, 3 से क्या क्या आ गया 2lm-3 - क्या आ गया 9,
माइनस नाइन प्लस नाइन उसके ऐड कर दिया, 12 दोनों को कॉमन ले लिया, आ गया इसका जो, तो ये तो फिर जो ऐड करके जीरो आ जाएगा प्लस नाइन, तो हैंस द रिमाइंडर विल बी थ्री इन द कोई द डिवाइडेड बाई टू दाई इज रिमाइंडर विल बी थ्री। अब क्या कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। जैसे अगर मान लें कि एक्सपेंशन में करना है तो उसका कोफिशिएंट टर्म क्या जाता है, एन सी आर, क्या जाता है, एन सी आर, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर, क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर क्या आ गया, एन सी आर। ठीक, अगर इसकी एक्सपेंड में निकालना हो मुझको, वन प्लस ए एक्स पावर एन, वन प्लस ए एक्स की पावर एन, इसमें क्या आ जाएगा, एन सी आर ए की पावर आर एक्स की पावर आर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर, एन सी आर ए की पावर आर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन सी आर ए की पावर एक्स पावर आर, और वैसे क्या होता है, ये होगा एन सी आर ए की, ये तो कंटेन रखेगा सारा, लेकिन होगा ये एन सी आर ए की पावर आर, एन सी आर ए की पावर आर। और इसके एक्सपेंशन में ए प्लस बी की पावर एक्स की पावर एन कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर आर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर आर क्या होगा, एन सी आर बी की पावर आर, एन सी आर बी की पावर आर ए की पावर एन माइनस आर, क्या होगा, एन सी आर बी की पावर आर ए की पावर एन माइनस आर। अच्छा घर पे करके जाना, इसके एक्सपेंशन में क्या होगा, वन प्लस एक्स की पावर एन, अच्छा सोच के जाना एक्स के क्या होगा, वन प्लस एक्स की पावर एन की पावर एन, क्या टर्म्स होगी इसके एक्सपेंशन में, वन प्लस एक्स की पावर एन की पावर एन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर, इसे देख के लाना, ठीक है, तो यह कोफिशिएंट ऑफ वन प्लस एक्स की एनसीआर एक्स पावर आर का, इसके आगे एनसीआर ए की पावर आर एक्स पावर आर, इसका क्या आ जाएगा, एनसीआर बी की पावर आर ए की पावर आर, ठीक है, इसे याद कर लेना, ठीक, नेक्स्ट शुरू करेंगे कल, ठीक है, आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।